दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। ये घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उससे तो मैं कभी मिला नहीं और मिलता भी कैसे, क्योंकि ये घटना आज से 50-60 साल पहले घटी थी। इस रोचक दैवीय घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लोगों की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गया, और वो भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई जाने वाली थी। खैर, यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि शायद वह आदमी मरा ही ना हो, लेकिन लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोग हिल गए, क्योंकि उस आदमी ने डंके की चोट पर बताया कि वो सच में मर गया था और उसे यमदूतों ने यम के कहने पर दोबारा वापस लाकर छोड़ दिया। हमारे गांव के बगल में एक और गांव है जहां ये घटना घटी थी। वहां एक पंडित जी रहते थे, लगभग 70 साल के पर एकदम चुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर धूप सेक रहे थे। दरअसल बात यह थी कि सर्दी का मौसम था और कड़ाकी ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय था पर लोगों के शरीर की कंपन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक पंडित जी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई, और इससे पहले वो कुछ समझ पाते या अपने आप को संभाल पाते वह चौकी पर से नीचे गिर गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में गई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब लोगों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी करने में लगभग शाम हो गई और अब पंडित जी की लाश को लेकर लोग नदी के किनारे गए। ठंड का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता साजने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी वगैरह को उतार कर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियां रखकर घी डाला गया, और उसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने जैसे ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। इससे काफी लोग डर के मारे चिता से काफी दूर भाग गए, लेकिन पंडित जी के बड़े बेटे डरे नहीं। हाँ, ये अलग बात थी कि उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुंह और सिर से लकड़ी को हटा दिया और देखा कि लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से भीगा हुआ था, और अब साथ ही लाश की पलकें भी झपक रही हैं। अब पंडित जी के बड़े बेटे वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत और चिता के पास वापस आ जाइए, पिताजी जिंदा हैं। पर लोग उनकी कहाँ सुनते। कुछ लोग तो घबराकर और दूर भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि पंडित जी का भूत आ गया है। कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घट जाए। पर पंडित जी के बड़े लड़के वहीं डटे रहे और एक एक करके लाश के ऊपर की सारी लकड़ियों को उतारा, और उसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वहीं नीचे सुला दिया, और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था, और एक एक करके डरे सहमे लोग दोबारा चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बड़े बेटे से कहा कि हमें घर ले चलो। दो तीन दिन के बाद फिर से पंडित जी पहले की तरह ठीक हो गए। ये बात अब तो पूरे इलाके में फैल चुकी थी कि फलां गांव के फलां बाबा मरकर जिंदा हो गए हैं। दूर दराज इलाकों से बहुत सारे लोग पंडित जी के पास आते थे और हैरानी से उन्हें देखते थे।
इस घटना के लगभग 8 से 10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना का जिक्र कर रहे थे। कोई कहता कि बाबा मरे नहीं थे, बल्कि उनका प्राण छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे पड़ चुके थे। अभी उन लोगों की ये बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोल पड़े कि वास्तव में वह मर चुके थे। फिर उन्होंने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं नीचे गिर गया, और बाद में मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। पर कुछ समय बाद मुझे अचानक ये लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि 2-3 लोगों के साथ मैं उड़ा जा रहा हूँ। वो लोग कौन थे ये मुझे पता नहीं। वे दिखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी काफ़ी अलग था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं ये समझ रहा था कि मैं मर चुका हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ता जा रहा था। यहाँ एक बात और बता दूँ कि जो लोग मुझे लेकर जा रहे थे उनके चेहरे अब मुझे याद नहीं है। आगे बाबा ने यह बताया कि कुछ ही मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। ऐसा लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पांडुलिपि थी। मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहने लगा। उसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई। फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया गया। फिर मुझे लेकर वो लोग दरबार से बाहर निकले। इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वो ये थी कि उस राज दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सब का एक आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हड्डी मांस के नहीं, बल्कि हवा से बने थे। अब मुझे लेकर ये लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। मैं इन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था, और वो मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी उसके जैसा दिखने वाला एक और आदमी वहां पर प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। चिता के पास आने तक मैं संज्ञान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। और बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा कि मुझे चिता के पास क्यों लाया गया है। बाबा ने आगे कहा कि उन्हें यह लगा कि उस राज दरबार में वो टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कुछ कह रहा है कि इसे क्यों लाया गया, किसी और को लाना था। खैर, जो भी हो, ये घटना सही हो या गलत, लेकिन पंडित जी को जानने वाला हर व्यक्ति यही कहता था कि ये घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने असूलों के बहुत पक्के थे। इस घटना के 5-6 साल बाद तक बाबा जिंदा रहे और अपनी इन यादों को लोगों को सुनाते रहे। एक बात और बता दूं कि फिर से जिंदा होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए। किसी ने भी बाबा को ना तो गुस्सा करते देखा और ना ही बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदल गया। वह अपने से मिलने आने वाले लोगों से बहुत ही प्रेम से मिला करते थे। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।